ओके, लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में हम क्या डिस्कस करेंगे? वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एयरपोर्ट ड्रेनेज सिस्टम एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मार्किंग्स एंड द लाइटिंग दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड इन द एयरपोर्ट। अच्छा, ड्रेनेज जो है वो एडिक्वेट ड्रेनेज बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जी, क्योंकि अगर कहीं पे भी एडिक्वेट ड्रेन जी स्क्रीन शेयर स्क्रीन करें विजिबल प्लीज। नहीं है। जी जी अब विजिबल है। यस सर। ओके, अच्छा, एडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम जो है किसी भी, चाहे कोई भी बिल्डिंग आप बना रहे हैं, चाहे रोड बना रहे हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, तो वहां पे एडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि इट इज वाइटल फॉर द सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट में जब यस फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होगा तो जगह जगह पे पानी कड़ा होगा और उससे जो है वो पडल्स क्रिएट होंगी ओवर द पेवमेंट सरफेस एंड दैट कुड बी हेजोडियस फॉर द एयरक्राफ्ट व्हाइल टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग। साथ में जो पेवमेंट की सर्विस लाइफ है यानी लॉन्गिटिविटी ऑफ द पेवमेंट है वो भी उससे मुतासर होगी। जितनी ड्रेनेज जो है वो वीक होगी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, वहां क्या होगा, पानी जो है वो ड्रेन आउट नहीं होगा और वो उससे जो रोड सरफेस है या जो पेव्ड एरिया है या जो रनवे है वो डिटोरिएट होगा विद टाइम एंड दैट कुड लीड टू रिड्यूस द सर्विस लाइफ ऑफ द पेवमेंट। तो एडिक्वेट ड्रेनेज जो है वो बहुत जरूरी है बोथ फॉर द सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट एज वेल एज फॉर द सर्विस लाइफ ऑफ द पेवमेंट। अब जो एयरपोर्ट में ड्रेनेज प्रोवाइड की जाती हैं तो तीन किस्म की ड्रेन्स हम प्रोवाइड करते हैं। एक वो ड्रेन्स होती हैं कि अगर लेट सपोज एयरपोर्ट किसी एसी रीजन में बनाया गया है कि आसपास का इलाके का कोई बड़ा ड्रेन जो है वो एयरपोर्ट रीजन के बीच में से गुजर रहा है, तो सबसे पहले ये करना है कि उसको डाइवर्ट करना है, डाइवर्जन ऑफ द सरफेस एज वेल एज द सब सरफेस वाटर फ्रॉम द एडजेसेंट लैंड्स। तो जो सरफेस और सब सरफेस वाटर है तो उसको डाइवर्ट करने के लिए जो ड्रेन्स प्रोवाइड करते हैं तो पहली जो है पहला स्टेप तो ये है, आपने देखना है कि कहीं कोई ऐसी ड्रेन्स तो नहीं है जो इर्द गिर्द सराउंडिंग एरिया से वो एयरपोर्ट के रीजन में दाखिल हो रही है। तो पहला स्टेप क्या है, टू डाइवर्ट द ड्रेन्स दैट आर बीइंग कमिंग फ्रॉम द एडजेसेंट लैंड्स। दूसरा जो यानी एयरपोर्ट के अंदर अगर पानी बारिश होती है रेनफॉल होती है तो वो रेनफॉल से जो रन ऑफ जनरेट होगा यस सर, सर वॉइस प्रॉब्लम, आवाज मेरा जी सर। सर सिग्नल इश्यू है आज के लिए, इतना काफी है सर। मूव करने के लिए ताकि वो पेमेंट एरिया को डिटोरिएट करेगा। यस सर, आवाज सर आवाज नहीं आ रही ना, कट रही है आवाज। सर, आवाज कटी है सर।
तो यह सिस्टम बंद कर दिया उनका। अमरान, अमरान हो? जी सर तू है, सिस्टम बंद कर दिया। साहब, जब मेरे को पूरी की कुछ समझ लगा ही करना। ओके हेलो यस सर। सर। ओके फिर वॉइस प्रॉब्लम करते हैं इन द एयरपोर्ट। एक आपके पास क्या है? रिमूवल ऑफ द सरफेस वाटर, रिमूवल ऑफ द सब सरफेस वाटर एंड रिमूवल ऑफ दोज वाटर्स दैट इज कमिंग टुवर्ड्स द एयरपोर्ट रीजन फ्रॉम द एडजेसेंट लैंड। सर, स्क्रीन शेयर कर सर, कर दो स्क्रीन सर। ओके 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 अब स्क्रीन विजिबल है। यस ओके तो आपने क्या करना है, जो अगर आसपास की एरिया से जो है वो ड्रेन्स आ रही हैं टूवर्ड्स द एयरपोर्ट रीजन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी सफिशिएंट प्रोविजन ऑफ ड्रेनेज और ड्रेन्स टू डाइवर्ट दोज ड्रेन्स और दोज वाटर दैट आर कमिंग टू द एयरपोर्ट रीजन फ्रॉम द एडजेसेंट लैंड। दूसरा जो ड्रेनेज का पर्पस है एयरपोर्ट के रीजन में वो ये है रिमूवल ऑफ सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ कौन सा होगा? जो एयरपोर्ट सरफेस है अगर इफ उस रीजन में बारिश होती है, रेनफॉल होती है, तो उससे रन ऑफ जनरेट होगा, तो उस रन ऑफ को प्रॉपरली ड्रेन आउट करने के लिए फ्रॉम द एयरपोर्ट रीजन ड्रेन्स प्रोवाइड करने होंगे और उसके जो है वो अपना फिर तरीकेकार होगा प्रॉपर ड्रेन्स। ऑल्सो द ड्रेन्स आर बीइंग प्रोवाइडेड फॉर द सब सरफेस फ्लो। सब सरफेस फ्लो का क्या मतलब है? वो वाटर दैट इज कमिंग टूवर्ड्स द पेवमेंट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, फ्रॉम द ग्राउंड बिलो, फ्रॉम द अंडरग्राउंड। ठीक है, जो अंडरग्राउंड रीजन है उसमें अगर कोई वाटर टेबल है और ग्राउंड वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो अगर ऊपर आ रहा है वाटर टेबल की उसमें कैपिलरी एक्शंस के थ्रू, और वो पेवमेंट के सरफेस को डिटोरिएट कर रहा है या उससे पेवमेंट जो है वो वीकर हो जाती है, ठीक है, सेटलमेंट इश्यूज कॉज करता है एंड दैट कैन लीड टू अ वेरी रिड्यूस द सर्विस लाइफ ऑफ द रनवे एंड द टैक्सीवेज। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है? सब सरफेस ड्रेन्स प्रोवाइड की जाती हैं। अब ये तमाम जो एम्स हैं जो ऊपर हमने डिस्कस किए उस वो क्या नेचुरल ड्रेनेज वहां पे हो सकती है? नो, नॉट एट ऑल। नेचुरल ड्रेन्स तो नहीं हो सकती। यू हैव टू प्रोवाइड दिस थ्रू आर्टिफिशियल ड्रेन्स। ठीक है, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में कि अगर आप जो है सब सरफेस ड्रेन्स प्रोवाइड करते हैं तो ये देखें दीज आर प्रोवाइडेड बिलो द सब ग्रेड रीजन। ठीक है, जबकि यहाँ पे अगर आप ड्रेन्स देखें तो ये सरफेस रन ऑफ के लिए ये ड्रेन्स प्रोवाइड की जाती हैं। पीछे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन आई होप कि जो आपके पास जो हाइड्रोलॉजी का सब्जेक्ट है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सरफेस ड्रेनेज है वो उसके लिए हम रन ऑफ कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो क्या है? क्यू इज इक्वल टू सी आई ए। सी इज द कोएफिशिएंट ऑफ द रन ऑफ,
आई इज द आई इज द रेनफॉल इंटेंसिटी एंड ए इज द एरिया ऑफ द ड्रेनेज, ठीक है। इफ यू नो ऑल दीज वैल्यूज यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रन ऑफ दैट विल बी जनरेटेड फ्रॉम द रेनफॉल, ठीक है। अब अगर आपको सरफेस रन ऑफ कैलकुलेट करेंगे तो तभी आपको सरफेस ड्रेन्स के उस हिसाब से फिर सरफेस ड्रेन्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो सरफेस ड्रेन्स हैं वो कितने डायमेंशन की प्रोवाइड करनी है, कितने इंचेस की ड्रेन्स प्रोवाइड करनी है, कितने डाय के ड्रेन्स प्रोवाइड करनी है, ये डिपेंड करता है द अमाउंट ऑफ सरफेस रन ऑफ के ऊपर। और सरफेस रन ऑफ फिर आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं जो कि ऑलरेडी आप हाइड्रोलॉजी में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा तो फिर आप उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। दूसरा आपके पास है सर्फ सब सरफेस ड्रेन्स। तो सर्फ सब सरफेस ड्रेन्स बेसिकली ये वो ड्रेन्स होती हैं जो बेसकोर्स और सब ग्रेड के बीनीथ जो पानी है, यानी जो ग्राउंड के नीचे जो पानी है उसको ड्रेन आउट करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। अब इसमें क्या किया जाता है, ये परफोरेटेड पाइप्स होती हैं। परफोरेटेड पाइप्स का क्या मतलब है, ऐसी पाइप्स जिसके अंदर सुराख हो, ठीक है। परफोरेटेड पाइप्स होती हैं जो कि तकरीबन 6 इंचेस डायमीटर की होती हैं और वो प्रोवाइड की जाती है बिलो द सब ग्रेड और बिलो द सब बेस, वहां पे प्रोवाइड की जाती है। और वो सारा का सारा पानी जो है वो उसमें से ड्रेन्स की तरफ जाता है और वो वहां से बाहर ड्रेन आउट हो जाता है। और एग्जाम्पल में आप इस इमेज में आप देख सकते हैं, दिस इज द पाइप विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू कैरी टू कलेक्ट द सब सरफेस वाटर, ठीक है। आप इस इन इमेजेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें दीज आर द ड्रेन्स विच आर, ये आपको रनवे नजर आ रहा है, दिस इज द रनवे, और यहाँ पे आपको जो रनवे के बिल्कुल नीचे है वो सब सरफेस ड्रेन्स जो है वो प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टॉर्म या रन ऑफ कलेक्ट करने के लिए सरफेस ड्रेन्स जो है मुख्तलिफ रीजन में प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, अब आते हैं टुवर्ड्स द मार्किंग। तो मार्किंग इट इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। फोर टाइप्स या फाइव टाइप्स ऑफ मार्किंग्स जो है वो रनवे के ऊपर प्रोवाइड की जाती है। इट इज सिमिलर टू द रोड मार्किंग जो हमने ट्रैफिक इंजीनियरिंग में रोड के ऊपर मुख्तलिफ मार्किंग्स डिस्कस किए हैं, इसी तरह रनवे के ऊपर भी मुख्तलिफ मार्किंग्स जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। किस किस तरह की मार्किंग्स होती है रनवे के ऊपर, एक होती है सेंटर लाइन मार्किंग। सेंटर लाइन मार्किंग बेसिकली रनवे के सेंटर लाइन को स्पेसिफाई करने के लिए सेंटर लाइन में सेंटर ऑफ द रनवे में मार्किंग की जाती है, दैट इज द सेंटर लाइन मार्किंग। दूसरी आपके पास है इज स्ट्रिप मार्किंग। इज स्ट्रिप मार्किंग कौन सी होती है, जो रनवे के इजेस को लोकेट करने के लिए, इजेस को डिफाइन करने के लिए जो मार्किंग्स प्रोवाइड की जाती है, दीज आर द रनवे इज मार्किंग। तीसरा आपके पास है टच डाउन और लैंडिंग जोन मार्किंग। टच डाउन और लैंडिंग जोन मार्किंग कौन सी होती है, ये एक स्पेशल मार्किंग्स होती हैं जो जहां पे जब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा होता है तो एयरक्राफ्ट का जो मेन गियर है जहां पे रनवे के साथ टच होता है तो उसके वहां पे जो मार्किंग प्रोवाइड की जाती है दैट आर कॉल्ड द टच डाउन जोन मार्किंग। तीसरा चौथा आपके पास है थ्रेशोल्ड मार्किंग। थ्रेशोल्ड मींस बाउंड्रीज को डिफाइन करने के लिए स्टार्ट और एंड ऑफ द रनवे में जो मार्किंग प्रोवाइड करते हैं दैट इज द थ्रेशोल्ड मार्किंग। और लास्ट में आपके पास है रनवे नंबरिंग। आपको इस इमेज में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें सबसे पहले आपके पास है सेंटर लाइन मार्किंग। तो ये जो सेंटर ऑफ द रनवे में आपको डैश डैश मार्किंग नजर आ रही है, दीज आर द सेंटर लाइन मार्किंग। दूसरा हमारे पास कौन सा आता है, रनवे इज स्ट्रिप, इज इज मार्किंग। यानी ये देखें एक इज ऑफ द रनवे को और दूसरे इज ऑफ द रनवे को शो करने के लिए जो है जो डिफाइन रनवे की इजेस को डिफाइन करने के लिए या विड्थ को डिफाइन करने के लिए जो इजेस के ऊपर जो मार्किंग प्रोवाइड करते हैं दीज आर कॉल्ड द एज मार्किंग। तो आई होप दिस इज क्लियर। ये जो सेंटर में आपको नजर आ रही है दीज आर द सेंटर लाइन मार्किंग, जो इजेस पे आपको नजर आ रही है दीज आर द एज स्ट्रिप मार्किंग। तीसरा आपके पास क्या है, टच डाउन और लैंडिंग जोन मार्किंग। तो ये देखें ये जो थ्री स्ट्रिप्स आपको नजर आ रही है ना, तीन आगे ये दो स्ट्रिप्स हैं फिर ये एक एक स्ट्रिप में कन्वर्ट हो जाती है, दीज आर कॉल्ड द टच डाउन जोन मार्किंग्स, ठीक है। टच डाउन जोन मार्किंग क्यों इसको कहते हैं, जब भी हवा से एयरक्राफ्ट लैंड करता है जमीन के ऊपर तो वो क्या करता है,
इन जगहों को उसका जो मेन गियर है, मेन गियर वो इन रीजन्स को टच करता है, ठीक है ना। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड द टच डाउन जोन मार्किंग्स। अब ये क्यों जो है टच डाउन जोन मार्किंग्स बनाई गई है, ये इसलिए कि जब ये यहाँ पे एयरक्राफ्ट जो है पायलट को आसानी होती है एक किस्म की, कि वो अपनी एयरक्राफ्ट को अलाइन कर देता है टू द पोजीशन ऑफ द रनवे, और वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द रनवे पे अपनी एयरक्राफ्ट को लैंड कर लेता है। समझ आ रही है ना, बिल्कुल सेंटर पे लैंड करने के लिए ये टच डाउन जोन जो है वो बनाई जाती है, ताकि एयरक्राफ्ट जो है वो इधर उधर लैंड ना करें और बिल्कुल सेंटर ऑफ द रनवे के ऊपर लैंड करें। दूसरा इसका मेन एम ये है कि जैसे ही ये आगे बढ़ती है तो ये नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जो हैं वो उसकी रिड्यूस हो जाती हैं, धीरे धीरे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जो हैं वो उसकी कम होना शुरू हो जाती हैं। अब स्ट्रिप्स क्या कम होगी तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये आपको, ये पायलट को एक किस्म की इंफॉर्मेशन भी दे रहा होता है कि आप रनवे के ऊपर आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इस टच डाउन जोन मार्किंग की दो पर्पसेस हैं, दो एम्स हैं, ठीक है। एक तो ये है कि ये एयरक्राफ्ट को अलाइन कर देता है इन द सेंटर ऑफ द रनवे, और दूसरा ये पायलट को ये इंफॉर्मेशन देता है कि ये जो रनवे है, रनवे के ऊपर पायलट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो एवरी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, एवरी 500 फीट, आफ्टर एवरी 500 फीट द स्ट्रिप्स आर बीइंग रिड्यूस्ड, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपके पास 3 स्टेप्स होंगे, तो वहां पे आगे जो है ये जो जो स्ट्रिप्स हैं ये कम होना शुरू हो जाएंगी, जैसे ये 3 है आगे 2 फिर 1, तो हर 500 मीटर के बाद ये स्ट्रिप्स जो है वो कम होना शुरू हो जाती हैं, जिससे एयरक्राफ्ट के पायलट को इंफॉर्मेशन मिल रही होती है कि भाई हम कितना डिस्टेंस मैंने रनवे के ऊपर कवर किया है। तीसरा जो है यहाँ पे है एमिंग पॉइंट्स, या एमिंग पॉइंट्स तो यहाँ पे खैर एमिंग पॉइंट्स, ये जो आपको बोल्ड सी जो है वो लार्ज स्ट्रिप नजर आती है, दीज आर कॉल्ड एमिंग पॉइंट्स। व्हाई दिस इज कॉल्ड एमिंग पॉइंट, ये इसलिए होती है क्योंकि ये जो बाकी मार्किंग्स हैं वो दूर से नजर नहीं आती, नहीं आ रही होती है। तो जब एयरक्राफ्ट हवा में होता है तो पायलट को रनवे लोकेट करने के लिए, रनवे आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो है एमिंग पॉइंट्स काम आती है, ठीक है। इससे उसको पता चल जाता है कि ये जो रनवे है वो उसकी पोजीशन क्या है। दूसरा उसको यहाँ पे जब वो एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा होता है तो वो इन दो पॉइंट्स को टारगेट करता है, जब वो इन दो पॉइंट्स को टारगेट करता है तो उससे फायदा ही होता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो परफेक्टली रनवे के ऊपर लैंड कर जाता है, यानी वो ऊपर से एमिंग पॉइंट, एम मींस निशाना बनाना, ठीक है। तो वो बेसिकली एम करता है पायलट फ्रॉम द अबव ड्यूरिंग द फ्लाइट व्हाइल 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 लैंडिंग, ठीक है। ड्यूरिंग द लैंडिंग वो इन दो पॉइंट्स को एम कर रहा होता है, ठीक है। तो परफेक्टली परफेक्टली टेक ऑफ, परफेक्टली पोजीशन देयर लेफ्ट देयर एयरक्राफ्ट ऑन द रनवे, ठीक है। अच्छा सेंटर लाइन, अच्छा एक बात आपको मैं बता दूं, यहाँ पे अगर आपको नजर भी आ रही है, तमाम की तमाम जो मार्किंग्स हैं दैट आर इन व्हाइट कलर, जो रनवे के ऊपर जितनी भी मार्किंग्स की जाती है वो व्हाइट कलर में की जाती है। अच्छा जो रनवे के ऊपर इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं दे चुका हूँ, ठीक है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ कि ये जो जितनी भी मार्किंग्स हैं वो व्हाइट कलर में होती हैं, चाहे सेंटर लाइन है, टच डाउन है, एमिंग पॉइंट्स है, तमाम किस्म की मार्किंग्स जो है वो व्हाइट कलर में होती है रनवे के ऊपर। और इसका मकसद क्या है सेंटर लाइन मार्किंग का, टू आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द रनवे, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है एमिंग पॉइंट मार्किंग्स, एमिंग पॉइंट मार्किंग्स भी मैं बता चुका हूँ, दिस इज बेसिकली विजुअल टारगेट के लिए ड्यूरिंग द लैंडिंग। अगर एयरक्राफ्ट पायलट ने लैंड करना है तो वो इसको हवा में से ऊपर से विजुअली टारगेट करता है टू परफेक्टली पोजीशन देयर एयरक्राफ्ट ऑन द रनवे, और यूजुअली 1,000 फीट फ्रॉम द लैंडिंग थ्रेशोल्ड प्रोवाइड की जाती है। ये थ्रेशोल्ड पॉइंट्स हैं, इस थ्रेशोल्ड से 1,000 फीट पे के फासले पे ये जो एमिंग पॉइंट्स हैं ये बनाई जाती है। तीसरा आपके पास क्या है टच डाउन जोन मार्किंग, तो ये जो स्ट्रिप्स आपको नजर आ रही हैं यहाँ पे,
दीज आर द टच डाउन जोन मार्किंग एंड थिन व्हाइट स्ट्रिप्स होती है आइडेंटिफाइंग द टच डाउन जोन फॉर द लैंडिंग ऑपरेशन. जब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा होता है तो टच डाउन जोन जो है वो सबसे पहले जो एयरक्राफ्ट की मेन गियर्स हैं वो इन पॉइंट्स को टच करती हैं. ठीक है, उसके बाद आपके पास है एज स्ट्रिप मार्किंग्स. तो ये एयरक्राफ्ट की एजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो बनाई जाती है, दीज आर द एज स्ट्रिप मार्किंग्स. ठीक है, और लास्ट में आपके पास क्या है, थ्रेशोल्ड मार्किंग. तो थ्रेशोल्ड मार्किंग्स द बिगिनिंग और एंड ऑफ द रनवे पे ये जो मार्किंग्स प्रोवाइड की जाती है, दीज आर कॉल्ड द थ्रेशोल्ड मार्किंग्स. अच्छा, उसके बाद हमारे पास है रनवे नंबरिंग. अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना. इससे पहले आप खुद भी रीड कर सकते हैं, जस्ट यू हैव टू रीड इट आउट, आपको खुद समझ भी आ जाएगी. ये थोड़ा सा टेक्निकल है. इसमें क्या है, रनवे की जो हर एक रनवे को एक उसके ऊपर इस तरह का एक नंबर लिखा होता है. ठीक है, अब इस नंबर का क्या मतलब है, इसकी मदद से हम रनवे को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा रनवे है. अब ये जो नंबरिंग की जाती है रनवे के ऊपर, वो मैग्नेटिक नॉर्थ से ये रनवे जो है वो जो डायरेक्शन, इस रनवे की जो डायरेक्शन मैग्नेटिक नॉर्थ से जो एंगल बनाता है उस हिसाब से इसकी नंबरिंग की जाती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैग्नेटिक नॉर्थ का क्या मतलब है, व्हाट डू मीन बाय मैग्नेटिक नॉर्थ. लेट सपोज दिस इज द नॉर्थ, और नॉर्थ से ये जो रनवे की डायरेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये रनवे है, ये जितना एंगल बनाता है टू द मैग्नेटिक नॉर्थ, दैट इज बेसिकली उस हिसाब से फिर हम रनवे की नंबरिंग करते हैं. और ये जो नंबरिंग है ये टू द नियरेस्ट 10 डिग्री जो तक इसको हम लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा रनवे है जो कि 84 डिग्री बनाता है टू द मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ से ये 84 डिग्री बनाता है, तो हम इसके ऊपर क्या नंबर लिखेंगे, इसका जो मार्क करेंगे इसको एज 08. अगर 86 डिग्री है तो तब इसको नियरेस्ट 10 तक लेंगे, उसके नियरेस्ट 10 तो 90 है, तो इसके ऊपर जो नंबर लिखा जाएगा दैट वुड बी 09. ठीक है, अब अगर 5 से कम है, यानी 84, 83, 82, 81, 80, तो तब इसके ऊपर जो नंबर लिखा जाएगा दैट वुड बी 08. और अगर अगर 5 से ग्रेटर है, यानी 86, 87, 88, 89 अप टू 90, तो तब ये नंबर जो है वो 09 लिखा जाएगा. ठीक है, अब आती है बात 85 की. तो जब 85 है तो 85 इट डिपेंड्स अपॉन द इंजीनियर टू डिसाइड, जो एविएशन इंजीनियर है या जो स्टाफ है वो डिसाइड करता है, इट्स अप टू हिज कस्टडी कि वो इसको 80 की तरफ लेके जाना चाहता है या 90 की तरफ लेके जाना चाहता है. बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट. इज दिस क्लियर नाउ? यस सर. ओके, अब लेट सपोज आपके पास अगर ये डिग्री बनाता है 187. If the degree is 187, तो रनवे के ऊपर क्या नंबर लिखेंगे, कौन मुझे बताएगा? शाबाश, अगर ये मैग्नेटिक नॉर्थ से 187 डिग्री बनाता है तो उसके ऊपर क्या नंबर लिखेंगे? 19. शाबाश, वी विल राइट 19. अगर इसकी ये जो है वो बना रहा है 211 डिग्री, 211 डिग्री, तो क्या नंबर लिखेंगे इसके ऊपर? 21. ये जो फर्स्ट टू डिजिट्स है ना, फर्स्ट टू डिजिट्स, ये अब देखें यहाँ पे फर्स्ट टू डिजिट्स तो 18 है, लेकिन हमने 19 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो नेक्स्ट डिजिट है वो 19 के करीब आ रहा है. ठीक है, तो दैट इज वाई अब नियरेस्ट जो थर्ड डिजिट है वो डिपेंड करेगा कि हम इसको 19 लिखें या 18 लिखें. ठीक है, लेट सपोज मेरे पास डिग्री है 233. 233 में मैं क्या लिखूंगा नंबर? 23. और अगर मेरे पास ये है 236, तो तब क्या लिखूंगा? 24. शाबाश, गुड. अब
आते हैं, अगर आपके पास एक ही डायरेक्शन में एक ही एंगल के ऊपर नंबर ऑफ रनवे ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो तब क्या करेंगे? उस नंबर के साथ एक लेटर भी लिखा जाता है। वो लेटर क्या है? या एल होगा, या सी होगा, या आर होगा। एल कब होगा, सी कब होगा और आर कब होगा? एल तब होगा, लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट, सी फॉर सेंटर एंड आर फॉर राइट। ठीक है, अगर एक ही रनवे है तो तब लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर एक से ज्यादा है तो तब आप जो है सेंटर वाली रनवे के लिए सी लिखेंगे नीचे, राइट साइड वाले के लिए आर लिखेंगे और लेफ्ट साइड वाले के लिए एल लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, 09R, 09R का क्या मतलब है? 09R का क्या मतलब है? ये नाइन्टी कितना डिग्री एंगल? सर नॉर्थ। यस, ये 90 डिग्री बना रहा है टू द मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये जो रनवे है ये राइट साइड वाला रनवे है। यानी इस देयर आर मल्टीपल रनवेज और ये जो रनवे है वो राइट साइड वाला रनवे है। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। यस सर। यस अब टैक्सीवे की मार्किंग, तो टैक्सीवे और रनवे में मार्किंग में फर्क क्या है? सिर्फ इतना फर्क है कि टैक्सीवे पे जो मार्किंग है वो येलो कलर में की जाती है, जबकि रनवे में के ऊपर जो मार्किंग है वो व्हाइट कलर में की जाती है। ठीक है, रनवे के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की मार्किंग है, जबकि टैक्सीवे के ऊपर देयर इज नो अदर मार्किंग। जिस तरह नॉर्मल रोड होती है ना, बिल्कुल इसमें सेंटर मार्किंग होती है और एज मार्किंग होती है, इसके अलावा और कोई तीसरी चौथी किस्म की मार्किंग इसमें नहीं है। जैसे नॉर्मल रोड होती है ना, हमारे पास जो मोटरवे वगैरह है उसमें सेंटर मार्किंग्स होती हैं और एज मार्किंग्स होती हैं। बिल्कुल उसी तरह टैक्सीवे के ऊपर भी मार्किंग्स, यही दो मार्किंग्स होती हैं, बट द कलर ऑफ द मार्किंग इज येलो। लेकिन यहाँ पे जो कलर होगा रनवे के ऊपर, द कलर ऑफ द मार्किंग विल बी व्हाइट। अच्छा, अब आते हैं एयरपोर्ट की लाइट्स की तरफ। अब जो एयरपोर्ट में रात के वक्त तो हमें मार्किंग्स नजर नहीं आती, दिन के वक्त तो चलो हमें मार्किंग से भी पता चल जाता है, रात के वक्त तो हमें मार्किंग्स नजर नहीं आती। तो रात के वक्त एयरपोर्ट की रनवे और मुख्तलिफ टैक्सीवे और मुख्तलिफ अदर रीजन्स को लोकेट करने के लिए लाइटिंग्स प्रोवाइड की जाती है। अब लाइटिंग्स कौन कौन सी है? एक हमारे पास है एयरपोर्ट बीकन लाइट, एक है अप्रोच लाइट, थ्रेशोल्ड लाइटिंग, रनवे लाइटिंग, टैक्सीवे लाइटिंग, एप्रॉन एंड हैंगर लाइटिंग, बाउंड्री लाइटिंग, लाइटिंग ऑफ विंड डायरेक्शन एंड इंडिकेटर। ठीक है, विंड डायरेक्शन इंडिकेटर। अब ये कौन कौन सी है, वन बाय वन जरा इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एयरपोर्ट बीकन लाइटिंग। अब ये एयरपोर्ट बीकन लाइटिंग क्या होती है, ये देखें, इस तरह का एक पोल के ऊपर एक बहुत बड़ी लाइट नसब की जाती है, जिसको कहा जाता है एयरपोर्ट बीकन लाइट। अब हाउ, इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम ये है कि सबसे नाइट टाइम पे पायलट को एयरपोर्ट आइडेंटिफाई करने के लिए ये बीकन लाइट हेल्प आउट करता है। यानी ये अल्टरनेटिवली ब्लिंक कर रही होती है, बहुत बड़ी लाइट होती है। जब हवा में पायलट होता है एयरक्राफ्ट, तो वो नीचे उसको इसी लाइट की मदद से वो लोकेशन आइडेंटिफाई करता है कि इस रीजन में जो है वो एयरपोर्ट बना हुआ है। तो एयरपोर्ट की रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए, एयरपोर्ट की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये बीकन लाइट प्रोवाइड की जाती है एट नाइट टाइम। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। दूसरा इसका उसका दूसरा इसका जो एम है, ऑब्जेक्टिव है इस बीकन लाइट का, वो ये है कि ये एयरपोर्ट की लोकेशन के साथ साथ एयरपोर्ट की टाइप को भी आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि ये कौन सा एयरपोर्ट है, पब्लिक एयरपोर्ट है, मिलिट्री एयरपोर्ट है, हेलीपोर्ट है, या वाटर एयर, वाटर जो है वो एयरपोर्ट है। अब कैसे पता चलेगा? अगर ये बीकन लाइट ग्रीन और व्हाइट में ब्लिंक करती है, ग्रीन और व्हाइट, ग्रीन और व्हाइट का क्या मतलब है? एक बारी, वन टाइम, एक बारी ये ग्रीन ब्लिंक करता है और दूसरी बारी ये व्हाइट। सो ग्रीन व्हाइट, ग्रीन व्हाइट, यानी ये दो लाइटों में ब्लिंक करेगा, एक बारी ग्रीन ब्लिंक करेगा, एक बारी व्हाइट ब्लिंक करेगा। तो ग्रीन और व्हाइट ब्लिंक करेगा तो इससे पता चलेगा कि ये जो एयरपोर्ट है ये पब्लिक एयरपोर्ट है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? दिस इज अ पब्लिक एयरपोर्ट, यानी सिविलियन एयरपोर्ट है। यस सर। ओके, अब अगर ये ग्रीन व्हाइट
में ब्लिंक करेगा, लेकिन टू वाइट्स इसके साथ होंगी, तो तब ये होगा मिलिट्री एयरपोर्ट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये एक बारी ग्रीन, फिर व्हाइट, यानी दो बारी व्हाइट ब्लिंक करेगा। एक बारी ग्रीन, दो बारी व्हाइट, फिर एक बारी ग्रीन, फिर दो बारी व्हाइट। तो अगर ये थ्री टू टाइम्स व्हाइट और वन टाइम्स ग्रीन ब्लिंक करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा एयरपोर्ट है? ये मिलिट्री एयरपोर्ट है, यानी टू व्हाइट्स एंड वन ग्रीन। क्लियर होगी बात? यस सर, और इसके बाद आपके पास हेलीपोर्ट और ये वाटर एयरपोर्ट। वाटर एयरपोर्ट मतलब ये है कि ये एयरपोर्ट है लेकिन किसी वाटर रीजन में बनाया गया है। जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा किसी बड़ी शिप में, जो वाटर शिप होती है ना, हाँ, वो उसके अंदर, उसके ऊपर एयरपोर्ट बनाई जाती है, उसके ऊपर रनवे बनाया जाता है। तो तब जो है, अगर समंदर के ऊपर जो है वो पानी में एयरपोर्ट बनाया गया है, तो तब ये ब्लिंक करेगा बिटवीन येलो एंड व्हाइट। ग्रीन एंड व्हाइट तब ब्लिंक करेगा जब लैंड के ऊपर एयरपोर्ट बनाया जाए और वो सिविलियन एयरपोर्ट हो, और येलो व्हाइट तब ब्लिंक करेगा जब वो एयरपोर्ट कहाँ पे बनाया गया हो, वाटर एयरपोर्ट हो। और हेलीपोर्ट, हेलीपोर्ट तब होगा जब ये व्हाइट येलो और ग्रीन में ब्लिंक करेगा। थ्री लाइट्स होंगी, व्हाइट येलो ग्रीन। इसका मतलब क्या है कि व्हाइट येलो, व्हाइट और ग्रीन तो है, यानी एयरपोर्ट भी है और साथ में येलो इसको शो करेगा कि ये हेलीपोर्ट भी है, यानी हेलीकॉप्टर्स के लिए भी यहाँ पे हेलीपैड्स मौजूद है। इज इस क्लियर नाउ? तो ये थ्री, ये जो बीकन लाइट है, ये एयरपोर्ट को आइडेंटिफाई भी करता है कि कहाँ पे ये मौजूद है, ये एयरपोर्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करता है, साथ साथ में ये एयरपोर्ट की टाइप के बारे में भी ये इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तीसरा आपके पास क्या है? अप्रोच लाइट्स। अप्रोच लाइट्स, ये अप्रोच लाइट्स हैं ये जो आपको नजर आ रही हैं। ये इसका मेन एम या ऑब्जेक्टिव क्या है? ये तकरीबन जहां से आपका रनवे स्टार्ट होता है, तो रनवे के स्टार्ट से तकरीबन 900 मीटर पहले तक ये स्टार्ट हो जाती है, यानी 900 मीटर पहले से स्टार्ट हो जाती हैं, ये प्रोवाइड की जाती हैं। इसका मेन एम या ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे नाम से जाहिर है, अप्रोच लाइट, यानी ये सिर्फ एयर पायलट को ये बताने के लिए कि आप रनवे के करीब पहुंचने वाले हैं, यू आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द रनवे। तो वाई, दिस इज वाई वी कॉल दिस द अप्रोच लाइट्स। अब ये जो अप्रोच लाइट्स हैं, ये यहाँ पे तो आपको बिल्कुल जमीन के ऊपर नजर आ रही है, बट दिस इज नॉट ऑन द ग्राउंड, बल्कि यहाँ पे ये इस तरह की पोल्स बना के ऊपर जो है ये लाइट्स जो है वो मौजूद होती हैं, और इससे आपको पता चल, ये चूंकि ये बहुत इलिवेशन से, बहुत हवा में फ्लाइट के दौरान नजर आने के लिए इसको भी इलिवेशन के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, इस तरह पोल्स के ऊपर, ठीक है ना? तो दीज आर अप्रोच लाइट्स। व्हाई वी कॉल दीज अप्रोच लाइट्स? जस्ट टू मेक श्योर और जस्ट टू गिव इंफॉर्मेशन टू द पायलट दैट यू आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द रनवे। जब ये जो अप्रोच लाइट्स हैं, ये टू शेप्स में प्रोवाइड की जाती हैं। एक कलवर्ट सिस्टम है और एक आपका आईसीओ का सिस्टम है। दोनों सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ज्यादातर जो कलवर्ट सिस्टम है उसमें ये किया जाता है कि स्टार्ट से एंड तक ये जो लाइट्स हैं उसकी तादाद कम होती रहती है, ठीक है? ये कलवर्ट सिस्टम है। जबकि आईसीओ का जो सिस्टम है उसमें ये है कि तमाम लाइट्स जो हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं, उसमें कमी ज्यादा नहीं होती। लेकिन जब एक आइडेंटिफिकेशन के लिए 300 मीटर तक, यानी जब आप 300 मीटर फासला रह जाता है टूवर्ड्स द रनवे, तो ये एक स्ट्रिप से थ्री स्ट्रिप पे, एक स्ट्रिप की बजाय थ्री स्ट्रिप्स में प्रोवाइड किया जाता है। यानी जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर जब आप 300 मीटर करीब पहुंचते हैं ना टूवर्ड्स द रनवे, 300 मीटर, तो तब जो है ये नंबर ऑफ लाइट्स एक स्ट्रिप से शिफ्ट हो जाती है टूवर्ड्स थ्री स्ट्रिप्स, ठीक है? और ये टोटल इसका जो फासला है ये 900 मीटर होता है, 900 मीटर पे ये रनवे से पहले जो है वो ये लाइट्स प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, लास्ट में आपके पास क्या है? थ्रेशोल्ड लाइटिंग। थ्रेशोल्ड लाइटिंग का क्या मतलब है? ये जो आपको नजर आ रही है एक बड़ी सी लाइन,
जैसे थ्रेशोल्ड मार्किंग होती है, इसी तरह थ्रेशोल्ड लाइटिंग भी होती है। ये रनवे के स्टार्ट और रनवे के एंड पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये लाइट्स प्रोवाइड की जाती हैं। ये सिर्फ एयर पायलट को बताने के लिए कि यहाँ पे रनवे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे रनवे खत्म हो रहा है। अब ये जो लाइट्स हैं, जहां से रनवे स्टार्ट होता है उस पॉइंट पे ये ग्रीन लाइट्स नजर आ रही होती हैं, जबकि यहाँ जहां पे आपका रनवे खत्म होता है, अगर आप दूर इस इमेज में देखें तो द कलर इज रेड। ठीक है, तो रेड क्यों है? जहां से स्टार्ट हो रहा है दे आर बीइंग प्रोवाइडेड इन व्हाइट कलर, और जहां पे रनवे खत्म होता है दे आर बीइंग प्रोवाइडेड इन रेड कलर, जस्ट टू मेक श्योर कि यहाँ पे आपका रनवे एंड हो रहा है। अब ये सेम लाइट होती है लेकिन ये टू कलर्स में होती है। ठीक है, यही सेम लाइट होती है, इसका एक फेस ग्रीन नजर आ रहा होता है और उसका दूसरा फेस जो है वो रेड नजर आ रहा होता है। ठीक है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द रनवे ये जो है वो ग्रीन होती है, एंड एट द एंड ऑफ द रनवे जो इसका फेस होता है वो रेड होता है। ठीक है, कौन सर उसे जो पीछे था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था सर? सा वाला? ये सर अप्रोचिंग लाइट। अप्रोच लाइट का ऑब्जेक्टिव यही है, जस्ट टू गिव इंफॉर्मेशन टू द एयर टू द पायलट दैट यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द रनवे, यानी आप रनवे के करीब पहुंचने वाले हैं। ओके सर, ओके सर। ओके अच्छा, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कंप्लीट लाइन ऑफ ग्रीन लाइट्स होती हैं जब आप टुवर्ड्स द रनवे होते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द रनवे, और ये रेड इंडिकेशन दे रही होती है एट द एंड ऑफ द रनवे। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको खुद समझ आ जाएगी। ओके लास्ट में आपके पास जो है वो रनवे के ऊपर बाकी तमाम लाइट्स जो हैं, ऑल द लाइट्स आर प्रोवाइडेड ऑन द रनवे आर व्हाइट इन कलर एंड ऑफ फ्लश टाइप, यानी इसमें जो बाकी जो लाइट्स हैं रनवे के ऊपर, ये तो रनवे से बाहर बाहर लाइट्स थी ना तमाम, जो रनवे के ऊपर एक्चुअल लाइट्स हैं, चाहे वो सेंटर लाइट्स हैं, चाहे वो टच डाउन जोन वाली लाइट्स हैं, चाहे वो एज स्ट्रिप लाइट्स हैं, वो तमाम के तमाम लाइट्स जो हैं वो व्हाइट कलर में होती है। ठीक है, बाकी लाइट्स जो हैं वो उसमें अप्रोच लाइट्स हैं, इसके अलावा ये जो थ्रेशोल्ड लाइट्स हैं, इसके अलावा बाकी जो लाइट्स हैं रनवे के ऊपर वो तमाम जो हैं वो व्हाइट कलर में होती हैं। जिस तरह मार्किंग व्हाइट कलर में है इसी तरह लाइट्स भी इसके ऊपर व्हाइट कलर में होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, टैक्सी वे के ऊपर लाइट्स। तो टैक्सी वे के ऊपर जिस तरह मार्किंग मैंने आपको बताया कि सेंटर मार्किंग होती है और एज मार्किंग होती है टैक्सी वे के ऊपर, इसमें वहां पे जो यहाँ पे भी टैक्सी वे लाइटिंग में भी आपके पास एज लाइट्स हैं और सेंटर लाइट्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटर लाइट्स हैं दे आर बीइंग प्रोवाइडेड इन ग्रीन कलर, और जो एज लाइट्स हैं दे आर बीइंग प्रोवाइडेड ऑन ब्लू कलर, जस्ट टू डिफरेंशिएट करने के लिए फ्रॉम द रनवे। टैक्सी वे में जो लाइट्स हैं वो ब्लू और ग्रीन प्रोवाइड की जाती है, ग्रीन फॉर सेंटर लाइनिंग एंड ब्लू फॉर एज लाइटिंग। ठीक है, इसके अलावा एप्रोन और हैंगर्स के ऊपर इस तरह फ्लड लाइट्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं टू मेक द एरिया विजिबल फॉर 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 टू मेक द लार्जर एरिया विजिबल, इस तरह की जो ऊपर हवा में जो है वो पोल्स के ऊपर फ्लड लाइट्स प्रोवाइड की जाती हैं। लास्ट में आपके पास बाउंड्री लाइट्स हैं, यानी एयरपोर्ट की बाउंड्री को लोकेट करने के लिए, पूरा एयरपोर्ट के अहाते को लोकेट करने के लिए दीवारों के ऊपर इस तरह या दीवारों से नीचे इस तरह रेड कलर में लाइट्स प्रोवाइड की जाती हैं, जस्ट टू मेक गिव इंफॉर्मेशन टू द पायलट कि ये पूरा एयरपोर्ट का रीजन है। ठीक है, और लास्ट में आपके पास जो है वो विंड डायरेक्शन के लिए भी जो है वो एक लाइट प्रोवाइड की जाती है, जस्ट टू गिव इंफॉर्मेशन टू द स्टाफ एयरपोर्ट स्टाफ एज वेल एज द पायलट कि भाई विंड जो है वो किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, तो उसके लिए भी एक विंड डायरेक्शन इंडिकेटर के लिए एयरपोर्ट के अंदर लाइट प्रोवाइड की जाती है। दैट वॉज द एंड ऑफ द टूडेज लेक्चर। ठीक है, जिसमें हमने एयरपोर्ट में लाइटिंग और साथ में ड्रेनेज और साथ में मार्किंग को डिस्कस किया, इसको आप खुद भी पढ़ लें। इफ यू हैव एनी इशू प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, क्यों थोड़ा सा हमने जल्दी इस लेक्चर को वाइंड अप किया, उसकी उसका रीजन ये था कि हमारा क्लास का जो टाइम था वो काफी इंटरनेट इश्यूज की वजह से डिस्टर्ब हुआ। ठीक है।